जय जगन्नाथ दोस्त, आज हम देखते हैं व्हाट इज MC4 कनेक्टर। MC4 कनेक्टर क्या है, MC4 कनेक्टर क्यों हम लोग यूज करते हैं और MC4 कनेक्टर कहां पर यूज होता है, ये सारे चीज़ इस वीडियो के माध्यम हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि यहां पर आप सब देख पा रहे हैं कि हमारे पास अभी एक क्रिम्पिंग टूल है एंड साइड जो कि आपका वायर स्ट्रिपर है एंड ये जो आपका है इलेक्ट्रिकल नाइफ एंड ये कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं जो कि ये MC4 कनेक्टर को टाइट करने के लिए। बाकी ये जो देख रहे हैं ये 4-in-1 एंड ये भी 4-in-1, ये जो 4-in-1 ये मेल कनेक्टर है एंड ये 4-in-1 आपका जो फीमेल कनेक्टर है और ये आपका बाकी देख पा रहे हो 3-in-1 का है, ये 3-in-1 एंड ये भी 3-in-1 का है और बाकी ये जो सिंगल कनेक्टर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी ये जो कनेक्टर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं और ये सारे चीज़ को कैसे हम यूज करते हैं, ये कनेक्टर को कहाँ पर हम यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, ये सारे इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पता करेंगे क्यों हम लोग कनेक्टर यूज करते हैं जो कि इसको बोलते हैं MC4 कनेक्टर और इसको क्यों यूज करते हैं, ये सारे चीज़ आप यहीं पर देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो एक्चुअली 4-in-1 हो या 3-in-1 हो, ये जो कनेक्टर है ये ऑलरेडी इसके अंदर देखो, जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये ऑलरेडी इसके अंदर इनबिल्ट पिन है, इसको हम कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ कनेक्ट करना है और यूज करना है। बाकी जहाँ पर हम लोग पैरेलल करते हैं या सीरीज करते हैं मतलब वहीं पर ही यूज करते हैं ये जो कनेक्टर को, ये जो 4-in-1 एंड ये जो 3-in-1 रहता है ये वहीं पर ही हम लोग यूज करते हैं। बाकी जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कि MC4 कनेक्टर को पहले क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज़ें हमको जानना जरूरी है क्यों यूज करते हैं। पहला चीज़ ये है कि हम जैसे अगर इसको यूज नहीं करेंगे तो नॉर्मली वायर को हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली ट्विस्ट करके उसके अंदर टेप वगैरह PVC टेप लगा के छोड़ देते हैं। वो क्या होता है कि जैसे बाहर रहेगा तो जैसे बारिश वगैरह होगा या धूप वगैरह होगा वो ड्राई होके उसमें डस्ट डिपोजिट होके वो कार्बन होता है वहाँ पर और कार्बन होके वहीं पर क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट होता है। बाकी वो शॉर्ट सर्किट वगैरह को रिड्यूस करने के लिए ये भी MC4 कनेक्टर हम लोग यूज करते हैं। आइए अभी देखते हैं कि हम यहाँ पर कैसे जो सिंगल हमारे पास रहते हैं MC4 कनेक्टर जो कि एक रहता है इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे इसके ऊपर हम देखते हैं। अभी जैसे हम ही देख रहे थे जो ये हमारे पास कनेक्टर है, ये जो कनेक्टर इसको बोलते हैं मेल कनेक्टर और इसको हम फीमेल कनेक्टर बोलते हैं। ये जो फीमेल कनेक्टर है यहाँ पर हम अगर दिखाना चाहूँगा देखिए, जैसे कि नेगेटिव साइन दिया गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है और बाकी अगर यहाँ पर आप देखोगे तो पॉजिटिव साइन ही ये पॉजिटिव टर्मिनल में कनेक्ट होता है। ये है मेल कनेक्टर एंड ये है फीमेल कनेक्टर। अभी हमारे पास ये जो है ये दो पिन लगते हैं, इसको कनेक्टर पिन बोलते हैं। जो ये पिन क्या होता है कि ये जो इसके अंदर ही लगता है, जैसे कि यहाँ पर हम अभी कनेक्शन हम लोग करेंगे इसके अंदर ही ये पिन लगता है। जैसे कि ये जो मेल कनेक्टर के अंदर ये वाला पिन बड़ा वाला पिन लगता है एंड इसके अंदर जो फीमेल रहता है, ये जो फीमेल पिन रहता है फीमेल पिन के अंदर ये छोटा वाला पिन लगाते हैं। ठीक है, अभी आइए चलते हैं तो इसके अंदर लगाते हैं। ये जो हमारे पास वायर है ये वायर को अभी हम कट करके ये पिन के मतलब ये पिन के अंदर घुसाएंगे और जैसे कि ये पिन अभी देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, अभी जो हमारे पास ये है जो वायर है ये वायर को हम लोग पहले क्या करेंगे जी, वायर स्ट्रिपर के माध्यम से जितना हम लोग को जरूरत है, कैसे पता चलेगा कितना जरूरत है, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा पिन के जो साइज के हिसाब से जितना यहाँ पर गैपिंग है वो इतना ही हम लोग को काटना जरूरी है क्योंकि ये ज़्यादा हम लोग को मतलब वायर नहीं देना है, जितना हम लोग को जरूरी है उतना ही हम लोग को घुसाना है, बस इतना ही रखना है ये वायर को, उसी हिसाब से काटना है हमको। ओके, उसके बाद ये क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे पास क्रिम्पिंग टूल है क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से ये जो पिन है इसको हम लोग क्रिम करेंगे। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि मैं जो ऊपर आप देख पा रहे हैं जो क्रिम्पिंग टूल है वो क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से देखिए अभी ये अच्छे से मैंने क्रिम किया, ये अभी देख पा रहे हैं जो क्रिम्प किया है ये इसको जितना आप खींचोगे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा क्योंकि ऑलरेडी पूरा लॉक्ड है, तो ये जो पूरा लॉक है ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। ये जो क्रिम्पिंग टूल है क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से इसको हम क्रिम करते हैं। बाकी क्रिम्पिंग करने के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, जो हमारा रहता है कि मेल कनेक्टर ये जो बड़ा वाला पिन रहता है ये बड़ा वाला पिन को क्या करेंगे, ये मेल कनेक्टर के अंदर घुसाना है। बताना चाहूँगा कि ये जो है वायर हमको वायर के अंदर घुसाना है, उसके बाद ये जो हमारा लग रहता है इसको भी ऐसे करके घुसाना है। बाकी घुसाने के बाद ये जो मेल कनेक्टर रहता है बड़ा वाला, जैसे मैंने बोला था कि बड़ा वाला जो कनेक्टर है और जो पिन है वो पिन बड़ा वाला पिन हम लोग को इसके अंदर घुसाना है और घुसाने के बाद ये वाला इसको आराम से लॉक करके ये टाइट करना है। ओके, ये अभी टाइट हो गया, ये नॉर्मली हम लोग हाथ से टाइट किया, अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करने का जो मतलब चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास कनेक्टर है ये कनेक्टर को यूज करके हम लोग भी टाइट कर सकते हैं, ये कनेक्टर को यूज करके हम लोग
टाइट ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है, जितना ज़रूरत है उतना ही टाइट करना है, मतलब ज़्यादा से ज़रूरत नहीं करना है, ठीक है। अभी ये जो देख रहे हैं ये पूरा टाइट हो गया, ये जो वायर है ये इसको आप जितना भी खींचो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये पूरा टाइट होकर हो गया है। ऐसे हम लोग को फीमेल भी करना है, फीमेल कनेक्टर को करने के बाद सेम ही प्रोसीडर हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे इस लोग ये अभी टाइट हो गया नाम से, इसको हमको सहेंगे जो कनेक्टर है, इसको जो बोलते हैं ये MC4 का स्पैनर है इसको बोलते हैं, और ये स्पैनर के माध्यम से हम लोग आराम से टाइट करेंगे। अभी देख पा रहे हैं ये आराम से इजीली टाइट हो गया है, और टाइट होने के बाद ये फॉल्स भी ले लेगा कभी कभी। अभी हमारे पास दो कनेक्टर पूरा रेडी हो गया फुल, देखिए इसको जितना भी जोर से आप खींचोगे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। और अभी आ गया कि हम लोग का जो मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर है, ये मेल फीमेल कनेक्टर को दोनों ऐसे घुसाना है। घुसाने के बाद अगर आप देखोगे ये जो लॉग है ये लॉग यहाँ पर आएगा और छोटा सा साउंड भी आप लोग को सुनाई देगा, जिसे टक करके छोटा सा साउंड है वो छोटा सा साउंड ही सुनाई देता है। इसको निकालने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो लॉग है हम नॉर्मली ऐसे हाथ से ऐसे करके खींच देते हैं बाहर, ये क्या होता है कि ये एक्चुअली रॉन्ग प्रोसेस है, क्योंकि इसको कभी कभी निकालने से ये क्या होता है, ये जो वायर भी लगा हुआ है ये वायर कभी कभी जोर से खींचने से ये निकल जाता है, जो कि हमारा काम जो है वो बढ़ जाता है। इसको ऐसे नहीं खींचना है, बिल्कुल भी नहीं खींचना है, आराम से इसको हम लोग पास कनेक्ट मतलब जो भी स्पैनर रहता है वो स्पैनर को हम लोग ऐसे यूज करेंगे, नीचे से ऐसे दे देना है और इसको धीरे से बाहर खींचना है, धीरे से। नॉर्मली देखोगे जैसे कि अभी ये फिर से लग गया, और मैं बताना चाहूँगा अगर देखोगे तो मैं नॉर्मली लगाया, ये क्या करता है कि ये जो लॉक हुई ऑटोमेटिकली वो पुश कर देता है, और इसके बाद मैं धीरे से खींचूंगा तो ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना, क्योंकि एक अगर यहाँ पर फिर से मतलब वायर निकलता है और ये मतलब ख़राब होता है तो हम लोग को ये जो प्राइस इसका आता है नॉर्मली 20 से 25 रुपए के अंदर ये प्राइस आता है, फिर से हमको नया लगाना पड़ता है। तो इसीलिए जो अभी काम है हम लोग अच्छे से करना है, ये मतलब ऐसे नॉर्मली यूज नहीं करना है, जो टूल्स वगैरह ज़रूरत है वो टूल्स हम लोग यूज करके करना है। आज का जो वीडियो में जो कि हम लोग MC4 कनेक्टर को कैसे कनेक्ट करते हैं और कैसे मेल एंड फीमेल को भी कनेक्ट करते हैं ये टोटल ओवरऑल था, और बाकी MC4 ये जो आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है जो MC4 को हम लोग क्यों यूज करते हैं और किस लिए यूज करते हैं या इसके लगाने से क्या फ़ायदा है ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके लगाने से हम लोग को यह फ़ायदा होता है कि मतलब जो कि हमारा लेस चांस ऑफ एरर होता है, जो एरर हम लोग फॉल्ट कभी कभी नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग को पता नहीं होता है ऐसे लगा देते हैं, जो कि जिसके जरिए माध्यम से जो भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बहुत सारा चीज़ ऐसे वेस्ट हो जाता है। तो बाकी ये जो ऐसे यूज करने से ये मेल फीमेल इजीली मतलब हम लोग को पता चल जाता है कौन सा वाला पॉजिटिव है कौन सा वाला नेगेटिव है, जो कि हम लोग का कोई दिक्कत नहीं होता है। बाकी और एक है कि चांसेस जो कि हमारा इजी टू कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट होता है, जैसे कि इसका कनेक्शन करना और डिस्कनेक्ट करना ये हम लोग को बहुत इजी माध्यम से होता है, जैसे कि हम लोग को कुछ मतलब ज़्यादा इसमें प्रेशर नहीं लेना पड़ता है। बताना चाहूँगा कि ये था टोटली ओवरऑली MC4 कनेक्ट के बारे में, जो भी चीज़ MC4 कनेक्शन कैसे यूज करेंगे ये टोटली ओवरऑली था ये वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर आपको ऐसे वीडियो जरूरत है, अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना है, और बाकी कुछ नया वीडियो चाहे तो हम लोग को कमेंट के माध्यम से बताना है, और कमेंट में रिटर्न करिए कि कौन सा टाइप का क्या वीडियो चाहिए, हम लोग इजीली लेके आएंगे वो वीडियो। जय जगन्नाथ, थैंक यू।